नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार को जिस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है और आखिर उनके ट्रॉल होने के पीछे की जो वजह है उसके बारे में आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उन्हें ट्रॉल क्यों किया जा रहा है। इसके लिए थोड़ा पीछे में चलना होगा। जिस तरीके से अभी हाल ही में अगर दीपावली को लेकर बात की जाए तो दीपावली के बाद जो वीकेंड था और जो जिस तरीके से फेस्टिव छुट्टियाँ थी, हॉलीडेज़ थे, उस दौरान राम सेतु जो है रिलीज़ हुई और ये फिल्म जो है जिस तरीके से हम सभी को पता है बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फिल्म जो है कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई साबित हुई है। फिल्म का जो बजट है, फिल्म वहां तक ही नहीं पहुंच पाई है। फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट देखने को मिली, नुसरत भरूच, जैकलिन फर्नांडिस जैसे जो है एक्ट्रेसेस दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार जैसी हस्ती जो है वो खुद इस फिल्म में देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद जो दर्शक हैं वो सिनेमाघरों तक नहीं पहुंचे। आपको बता दें किस वजह से अक्षय कुमार को ट्रॉल किया जा रहा है। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्में कर लेते हैं और उनको एक फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करने में 30 से 40 दिन का समय केवल लगता है और इस बीच आपको बता दें कि वो दूसरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देते हैं। इस वजह से अक्षय कुमार को ट्रॉल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार कभी भी किसी रोल को सीरियस होकर नहीं करते हैं और जिस तरीके से वो कई फिल्में करते हैं इस वजह से उनकी जो अन्य फिल्में हैं उनकी भूमिका बनती हुई नज़र नहीं आती है और इन्हीं कारणों की वजह से अक्षय कुमार को ट्रॉल किया जा रहा है कि अक्षय कुमार साल में 4-5 फिल्में करते हैं केवल पैसे कमाने के लिए और स्टोरी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो स्क्रीन प्ले पर ध्यान देते हैं किस तरीके से पिक्चर बन रही है। अब इस बीच जिस तरीके से फिल्म पिट गई है, फ्लॉप हो गई है, अब देखना दिलचस्प यहाँ पर ये रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिएक्शन जो है अक्षय कुमार का सामने आता है, क्योंकि राम सेतु को लेकर अक्षय कुमार का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और इसमें सभी का हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि मेकर्स और अक्षय कुमार खुद इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहते हैं और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है फिल्म के फ्लॉप होने को लेकर। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि अक्षय कुमार की जो पिछली कुछ फिल्में हैं वो भी बड़े पर्दे पर फ्लॉप होती हुई नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा उनकी आने वाली फिल्में बड़े पर्दे पर किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।